तो हम लोग जो एक रूममेट थे, एक ही फिक्र के लोग थे, हड़बड़ा के उठे तो हमें मालूम हुआ कि न्यूयॉर्क में मौलाना का जनाजा है। जनाजा बड़ी तादाद में लोग गए हैं, जनाजा पढ़ा गया और उसके बाद की तफसीलात पाकिस्तान में जो लोग उस वक्त थे वो जानते हैं कि किस तरह यूसुफ़ अलकरदावी साहब ने वो जनाजा पढ़ाया और कितना अजीम शान इज्तिमा था उस मौके पे। सैयद इस एक अपने अजीम रहनुमा को देखने का मौका मिल चाहते थे और उन्होंने लाहौर में जो कदाफी स्टेडियम आजकल है, उस ज़माने में शायद लाहौर स्टेडियम होता था, उसमें एक बड़ा बड़ा जो इज्तिमा था और मौलाना को आखिरी बार जो रुख्सत किया लोग देखने वालों ने। असल में ये मोहब्बत थी जवानों की और उन लोगों की जिसने सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीक को लबैक कहा उनके उस ज़माने में जबकि वो जवान थे। और उसके बाद पाकिस्तान बना, अल्लामा इकबाल से उनकी बातचीत हुई और वो लाहौर तशरीफ़ ले आए और लाहौर में जो तहरीक उन्होंने अपनी बरपा रखी और बाकी रखी उसके बाद भी जमीयत के नौजवान बिलखसूस, क्योंकि मुझे जमा इस्लामी में काम करने का तो इतफाक़ नहीं हुआ लेकिन जमीयत में मैं रहा। उसके बाद अमेरिका चला गया, वहाँ पे वहाँ की तंजीम ICNA इकना इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, वो भी सैयद मौदूदी के फिर की तहरीक थी तो उससे उसमें काम करने का मौका मिला। लेकिन जमीयत के ज़माने में जब मैं काम करता था तो मैंने देखा कि मैं जामे पंजाब में एम ए सहाफ़त का तालब इल्म था तो उस वक्त जमीयत के, क्योंकि मौलाना उस ज़माने में काफ़ी बीमार थे और उनकी बीमारी की वजह से उनका मुख्तलिफ जगहों पे सफ़र करना इतना आसान नहीं था, मुमकिन नहीं था। तो मुझे वो वक्त याद है, गालिबन ये 70 या 71 का ज़िक्र होगा, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, जबकि जामे पंजाब में जमीयत की यूनियन थी, वहाँ पे एक बड़ी तादाद में बसें तलबा की भर के गई और सैयद अबुल आला मौदूदी की रहायश गाह पर 5A जेलदार पार्क में, जहाँ पे गो के बहुत बड़ी जगह नहीं थी लेकिन तिल धरने की जगह नहीं थी और मेरे ख़्याल में हज़ारों तालब इल्म थे जो उस छोटे से लॉन में जहाँ पे सैयद अबुल आला मौदूदी असरी मजालस किया करते थे और जहाँ पे उनकी अभी उनकी कब्र भी उसी जगह पे मौजूद है। ये कब्र भी इतफाक़ से बाद में तذکرہ करता चलूँ कि मैं जब यहाँ पे 2001 में आया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम चलते हैं क्योंकि देखेंगे कि जहाँ पे हम असरी मसाले मजारिश में गुजारा करता था तो वहाँ पे कैसा लगता है। तो जब मैं वहाँ गया तो किसी फ़र्द का निशान नज़र नहीं आया, कोई फ़र्द मुझे नज़र नहीं आया सिवाय उसी लॉन में एक कब्र थी जिस पे सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई थी। आप देखें, ये मुझे रुला देने वाली चीज़ थी कि जहाँ पे जो इतना अजीम इंसान, जहाँ पे उसकी इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग उससे मिलने आते थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके अकीदमंद आया करते थे, बड़ी तादाद में जहाँ पे आके लोगों ने उसको अलविदा कहा, खैरबाद कहा, वहाँ पे वो एक अकेला तन तनहा इंसान ज़मीन के अंदर दफन था। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि जो थोड़ा सा भी दुनिया में इज्जत और शोहरत रखता है उसकी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई जाती हैं, उसके उर्स मनाए जाते हैं, उसका चर्चा होता है, उसकी लोग पक्की इमारत बनाते हैं, उसके लिए हिफाजतगाह गार्ड मुतय्यन किए जाते हैं। लेकिन ये फ़र्द जो मेरे नज़दीक, अगर हम सैयद मौदूदी की कुतुब का मुताला करें, उसकी तहरीक को जानने की कोशिश करें, उसकी तहरीरों को पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि ये यकीनन इस सदी का मुजद्दिद था। जो लोग इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने मुजद्दिद बनने के लिए तजदीद अहयाए-ए-दीन किताब लिखी वो यकीनन गुमराह लोग हैं, लेकिन आप सही माने में अगर देखा जाए तो ये सही का इस सदी का मुजद्दिद था जिसने उस ज़माने में जबकि लोग इस्लाम को सही तौर पे नहीं समझ सकते थे, इस्लाम को समझने के लिए कभी नातखानी का सहारा लेते थे, कभी सिर्फ नमाज़ों पे इक्तफा करते थे, गो के नमाज की वैल्यू अपनी जगह कि आखिरत में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, लेकिन जो अकामत दीन का और हुकूमत इलाहिया का तसव्वुर जो इस अजीम इंसान से मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने दिया और एक अजीम अक्सरियत ने उस सदा पे लब्बैक कही और उसके पीछे चले, ये तहरीक जो सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीक है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रही, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी उम्र में यहाँ से कनाडा चला गया 74 में,
5 साल के बाद मुझे अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ, और अब ये 2010 है, मुझे अभी यहाँ वापस आए हुए 1 महीना हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि इस अजीम इंसान की तहरीक वहाँ पे कैसे गई। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़माना आगे जा रहा है, दुनिया खराबियों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब मैं वहाँ गया था, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि अमेरिका में भी इतनी बुराइयाँ नहीं थीं और इतनी खराबियाँ नहीं थीं, इतनी वरानियत नहीं थी। इसी तरह वहाँ पे जो दीन था, वहाँ के मुख्तलिफ, जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे मस्जिद होती हैं, लोग नमाज़ों के लिए बिलखसूस उसे उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका, शुमाली अमेरिका में मस्जिद का इस्तेमाल सेंटर्स के तौर पे भी होता है। वहाँ पे नौजवानान मुख्तलिफ इस्लामी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं, वहाँ की फैमिलीज़ मुख्तलिफ इस्लामी सरगर्मियों में अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। वहाँ पे जो इल्म आम तौर पे था और जो कुतुब थी, मैं देखता था कि वहाँ पे भी सैयद अबुल आला मौदूदी की शोरा आफाक तसनीफ़ और तफसीर, तफहीमुल कुरान मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती थी, मुख्तलिफ सेंटर्स में देखी जाती थी, और इसको लोग आम तौर पे वहाँ इसका मुताला करते थे। पाकिस्तान में अभी मैं आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि आम मसाजिद में जहाँ कुरान रखा होता है, इवन वो मसाजिद भी जो कि तहरीकी मसाजिद के तहरी अफराद जिनको इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पे भी मैं तफहीमुल कुरान की इतनी कापियाँ नहीं देखता जितनी कि अमेरिका या कनाडा में मुख्तलिफ सेंटर्स में मौजूद होती हैं। ये इसलिए नहीं कि सैयद अबुल आला मौदूदी कोई एक अजीम मुसन्निफ़ था और उसने एक अच्छी किताब लिखी, एक अच्छी तफसीर लिखी और तो वो तफसीर वहाँ के मुख्तलिफ सेंटर्स या मुख्तलिफ लोगों में आम तौर पर फैल गई, बल्कि ये एक ऐसी तहरीक थी जिसको ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता तबके ने लब्बैक कहा। अमरीका और कैनेडा में अमूमी तौर पर ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं जो यहाँ की नस्बत ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि सिर्फ इस्लाम के जुज़ियात पे यकीन करना हमें अल्लाह ताला के जवाबदही से बरी उज़्ज़मा नहीं कर सकेगा, बल्कि हमें पूरा के पूरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुरान में भी इसका जिक्र किया गया और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक को कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हम सैयद मौदूदी की तहरीक को ना उसको नबी मानने के तौर पर लेते हैं, ना उसको कोई ऐसा चीज़ जिसकी हम पीर या समझें, लेकिन इसलिए हम उसकी अकीदत करते हैं उस अजीम इंसान की कि उसने हमें अल्लाह और रसूल से शनासाई हमें अता की और हमें बताया कि सीधा रास्ता इस्लाम पे चलने वाला कहाँ है। जबकि बहुत से लोग इस्लाम को मुख्तलिफ तौर पर ले जाते थे, जुज़ियाती तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस फ़र्द ने हमें बताया कि अल्लाह का जो निज़ाम है दुनिया के हर खित्ते में, हर हिस्से में, हर हर जगह पे, हर शोबे में कायम होना चाहिए। और यही हमने अमेरिका और कनाडा में देखा कि वहाँ पे सैयद मौदूदी की जो तहरीर और तफसीर थी बहुत ज़्यादा आम थी, और बिलखसूस नौजवान सैयद मौदूदी और हसन बना शहीद इनकी तहरीरों से अकीदत रखते थे, इनका मुताला करते थे, और इसी तरह का इल्म जो है आमतौर पे वहाँ के मुख्तलिफ सेंटर्स में पाया जाता था। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीरें और बिलखसूस उनकी तफसीर तफहीमुल कुरान दुनिया के चप्पे चप्पे में मौजूद है, मुख्तलिफ ज़बानों में इसके तराजम हो चुके हैं। अंग्रेज़ी में इसका सबसे पहले जो तर्जमा हुआ था वो इतना मुनासिब नहीं था अमेरिका और कनाडा के लिहाज से, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ज़फ़र इसहाक़ अंसारी साहब ने इसका तर्जमा किया। मैं जब कनाडा में था तो ज़फ़र इसहाक़ अंसारी साहब वहाँ पे मैकगिल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ की तालीम ले रहे थे, उनसे भी मिलने का और गुफ्तगू का मौका रहा। इन्होंने जो तर्जमा किया और इस्लामिक फाउंडेशन लेस्टर यूके ने इसको बड़े डिलक्स अंदाज में छापा है, तो वो उसकी कापियाँ गो के अभी काफ़ी कीमती हैं, उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी आम तौर पे पाई जाती हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, वहाँ के इस्लामिक बुक सर्विसेज में और इस्लामिक बुक स्टोर्स में। गो इसमें जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मौलाना सैयद अबुल आला की ये शोरा आफाक तफसीर बहुत आम हुई, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, क्योंकि दूसरी तफासीर जब हम देखते हैं, मुझे दूसरी तफासीर में तफसीर इब्ने कसीर पढ़ने का इत्तेफाक़ हुआ, फ़ी ज़िलाल क़ुरान देखने का मौका मिला, मारफ़ुल क़ुरान का देखने का इत्तेफाक़ हुआ,
آپ اگر دیکھیں تفہیم القرآن کا صحیح معنی میں اندازہ کریں، یہ ازراہ تذکرہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ تفہیم القرآن کا جب تکمیل ہوئی تھی تو اس وقت میں لاہور میں تھا، غالباً یہ 70 69، مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس میں فلیٹیز ریسٹورنٹ جو تھا لاہور میں، اس میں اس کی تقریب تھی اور اے کے بروہی صاحب کی اس میں آخری سپیچ ہوئی تھی اور مولانا مودودی نے بھی اسے خطاب فرمایا تھا۔ یہ ایسی ازراہ تذکرہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کاش کرتا چلوں۔ تو یہ تفہیم القرآن کو جس طرح کہ دنیا میں کافی یعنی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کا انگلش میں ترجمہ بہت اچھے انداز میں جو کہ امریکہ کے معاشرے میں آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا، لوگ اسے پڑھ سکتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے اسے پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا اور یہ کافی ابھی بھی مقبول عام ہے۔ اصل میں امریکہ میں شروع میں تو لوگ پاکستان اور انڈیا سے مسلمان زیادہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اسلامی ادارے قائم کیے، دینی ادارے قائم کیے اور مولانا مودودی کی تحریک کو آہستہ آہستہ وہاں پہ لٹریچر کی صورت میں، اجتماعات کی صورت میں اور مختلف سینٹرز کے قیام کی صورت میں پھیلانا شروع کیا، اس کی اشاعت کی۔ وہاں پہ غیر مسلموں میں جو کام ہے وہ براہ راست سید ابوالاعلیٰ مودودی کو تو لوگ نہیں جانتے، لیکن سید ابوالاعلیٰ مودودی کا لٹریچر اور یہاں سے جو لوگ گئے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ امام وارث الدین محمد کی جو تحریک جو شکاگو میں چلی تھی اور جس میں ان کے والد صاحب الاجہ محمد تھے جو کہ اسلام کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں امام وارث الدین محمد نے صحیح معنی میں اسلام کی تعلیم کو سمجھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی پیروکار، جس میں بالخصوص پروفیسر خورشید احمد کا نام آتا ہے، یہ جب بھی شکاگو جاتے رہے انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی، اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے وہاں کے تحریکی ساتھیوں کے تعاون سے ان سے ملاقاتیں کی، ان تک صحیح دین پہنچانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ ان لوگوں نے خاص طور پہ، یہ سب سے بڑا طبقہ ہے جو کہ امریکہ میں غیر یعنی نو مسلموں میں کہنا چاہیے اور خاص طور پہ وہاں پہ جو سیاہ فام جو مسلمان ہیں ان میں یہ بات پھیلی اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ ایک اور سیاہ فام مسلم ہیں جو الاجہ محمد کے فالوور ہیں، وہ فراقان ہیں، انہوں نے اس بات کو صحیح طرح نہیں لیا تھا اور ان کے امام وارث الدین محمد کے والد صاحب الاجہ محمد کو فالو کیا اور وہ تقریباً ایک طرح سے وہ فرقہ بنا ہوا تھا جو اس طرح کے قادیانی فرقہ ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم رحمتہ اللہ علیہ کی تحریروں کو جاتا ہے کہ ان کی تحریروں سے متاثر لوگوں نے، وہاں پہ ساتھیوں نے اور یہاں کے جو پیروکار جماعت اسلامی کے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ساتھیوں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پروفیسر خورشید احمد بالخصوص اور دوسرے افراد بھی جو وہاں پہ گئے، انہوں نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان لوگوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنایا اور وہاں پہ پھیلایا۔